अनंतनाग में आतंकियों के साथ 48 घंटे से एनकाउंटर, एक और जवान शहीद, 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। इसमें लश्करे तैयबा का कमांडर उजैर खान भी, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन। एमपी के चर्चित हनी ट्रैप कांड की आरोपी आरती दयाल विजयवाड़ा से गिरफ्तार, 10 लाख रुपए की चोरी में पकड़ी गई। बेंगलुरु के एक स्पा में काम कर रही थी आरती दयाल। नू हिंसा का आरोपी कांग्रेस एमएलए मामन खान राजस्थान से गिरफ्तार, दंगा फैलाने वालों के संपर्क में था मामन खान। हरियाणा के नू में 31 जुलाई को हिंसा हुई थी, जिले में धारा 144 लागू। एशिया कप चैंपियनशिप के फाइनल में भारत और श्रीलंका भिड़ेंगे, श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया। 17 सितंबर को कोलंबो में खिताबी मुकाबले में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। मध्य प्रदेश मानसून सक्रिय, भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन और छिंदवाड़ा में तेज बारिश, आज 36 जिले होंगे तरबतर। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन और सागर संभाग में ऑरेंज अलर्ट। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।